एक बार की बात है, चार दोस्त रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर भटक रही थी। वो ऑटो या टैक्सी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। घना अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। चारों को अपनी खामोशी भी महसूस हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। यह सब तेरी गलती है, तू नहीं पार्टी करने का प्लान बनाया था। अगर हम पार्टी करने के लिए घर से इतना दूर नहीं निकलते तो ये सब नहीं होता, और गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। दूर दूर तक कोई नहीं है, कितना ज्यादा डर लग रहा है। अरे यार, तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो? चिल करो, कुछ नहीं होता। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई हमारे सामने आएगा तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता घर जाने के लिए ऑटो या टैक्सी आगे से मिल जाए। हाँ संजना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, हम किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने भूत डायन चुड़ैल आ गई, फिर हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं। शुभ शुभ बोलो, भूत प्रेतों की बातें मत करो, मुझे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और वो रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चलने लगती हैं। उन्हें अपने कदमों की भी आवाज डरावनी लग रही थी और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां एक बहुत ही ज्यादा पुराना स्कूल था। उसे देखकर चारों की सांस में सांस आती है। चलो, इस सुनसान सड़क पर स्कूल तो नजर आया। मुझे नहीं लगता कि हमें इस सड़क पर घर जाने के लिए कुछ भी मिलेगा। रात इस स्कूल में ही गुजार लेते हैं। हाँ आराध्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे तो चल चल कर पैरों में दर्द हो चुका है। आराम से स्कूल में जाकर बैठ तो सकते हैं ना। सुबह होने के बाद देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे। चलो स्कूल में ही चलते हैं। और वो चारों जैसे ही स्कूल की तरफ अपने कदम बढ़ाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं, तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर चारों की सांसें रुक जाती हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि वो तो खड़ी थी और वहाँ आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर कदमों की आवाज किसकी आ रही थी? हम चारों तो एक जगह खड़े हैं, लेकिन फिर ये चलने की आवाज किसकी है? अभी तो हम स्कूल के अंदर गए भी नहीं और अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहीं स्कूल के अंदर भूत प्रेत ना हो और वो हमें अपना शिकार ना बना ले। मुझे लगता है कि हमें स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें स्कूल के अंदर नहीं जाना। अरे यार, कुछ नहीं होता, चलो अंदर चलते हैं। हवा चलने की वजह से बस ये सब महसूस हो रहा है और कुछ भी नहीं। जैसे ही वो चारों स्कूल के अंदर कदम रखती है, आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कड़ाने लगती है। मानो उन्होंने स्कूल में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की हो। बिजली की कड़कड़ाहट सुनकर चारों डर जाती हैं और तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। अब तो चारों और भी ज्यादा डर जाती हैं और वो तुरंत स्कूल के अंदर चली जाती हैं। और स्कूल अंदर से और भी ज्यादा डरावना था। ये क्या स्कूल के अंदर? यह पैरों के निशान किसके हैं? और ये तो खून जैसा नजर आ रहा है। दीवार पर भी खून के धब्बे, हाथों के निशान, ये सब क्या है? और ये आवाज किसकी है? मुझे स्कूल बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा। बाहर बिजली कड़कड़ा रही है, तूफान आ रहा है और अंदर ये सब हो रहा है जैसा हॉरर स्टोरीज में दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। चारों को स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और तभी उनके पास एक किताब उड़कर आती है। उसे देखकर चारों डर जाती हैं और वो किताब अपने आप ही खुल जाती है। पहले पेज पर लिखा था, सूजी योरा रिचुअल।
सब क्या है? किताब हमारे पास उड़कर क्यों आई? और ये अपना कैसे खुल गई? और ये क्या लिखा है? सूजी योरा रिचोर? और आगे क्या लिखा है? तुमने इस स्कूल में कदम रख लिया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुमने अगर सूजी योरा रिचुअल ठीक से किया तो तुम यहाँ से सुरक्षित निकलकर जा सकते हो। अगर तुमने यह रिचुअल अच्छे से नहीं किया तो यह रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ये सब क्या है? कौन हो तुम? हमें नजर क्यों नहीं आ रही हो? देखो, हमें पता है कि इस स्कूल के अंदर कोई इंसान हमारे साथ खेल रहा है। हम तुमसे डरने वाले नहीं। हमें पता है कि यहाँ कोई इंसान छिपा है जो ये सब कर रहा है। सामने आओ, हम तुमसे डरते नहीं, सामने आओ। तभी वहाँ और भी ज्यादा डरावनी आवाज आने लगती है। यही सब देखकर चारों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। और जब वो तीसरा पेज खोलती हैं तो उसमें लिखा होता है, यहाँ कोई इंसान नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो चुपचाप सूजी योरा रिचुअल करो। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। अगला पेज देखो, यह रिचुअल कैसे करना है सब कुछ लिखा है। अगर तुमने यह रिचुअल नहीं किया तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। चारों को उनके सवालों के जवाब किताब में मिल रहे थे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। उनके माथे से पसीना टपक रहा था, वो थर थर कांप रही थी। तभी वो नेक्स्ट पेज खोलती हैं जिसमें सूजी योरा रिचुअल के सारे नियम लिखे हुए थे। और तभी उनके सामने कंगी लाल कपड़ा आ जाता है और वो डरते हुए स्कूल से बाहर आती है। तो वो देखती है कि यह स्कूल चौराहे पर बना हुआ था जो सूजी योरा रिचुअल का मेन था। जैसे किताब में लिखा था, हमारे पास लाल कपड़ा भी आ गया, कंघी भी आ गई और ये स्कूल चौराहे पर भी बना हुआ है। अब हमें सूजी योरा रिचुअल करना है, वो भी ठीक तरह से, अगर हमें सही सलामत घर पर जाना है तो, वरना पता है ना हमारे साथ क्या हो सकता है। और वो चारों सूजी योरा रिचुअल करना शुरू करती हैं। चारों अपने मुंह पर लाल कपड़ा बांध लेती हैं, कंघी की आवाज करती हैं और आत्मा को पुकारती हैं। देखो, अगर यहाँ चौराहे पर कोई आत्मा भटक रही है तो कृपया करके वो हमारे पास आए, हमें उससे बात करनी है। अगर यहाँ चौराहे पर कोई आत्मा भटक रही है तो कृपया करके वो हमारे पास आए, हमें उस आत्मा से बात करनी है। चारों बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो एक आत्मा को बुला रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी ये सब करना भी पड़ेगा। और उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि जैसे उस चौराहे पर कोई आया हो। और उसके बाद उन्हें पीछे से आवाज आती है। उनके पीछे स्कूल था और वो आवाज सुनकर तुरंत स्कूल के अंदर चली जाती है। तो वहाँ जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी और उसके बाद वो चारों हवा में उड़ने लगती हैं। क्या हमने रिचुअल अच्छे से नहीं किया? किताब में जैसा लिखा था हमने बिल्कुल वैसे ही किया। देखो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें हमारे घर जाना है। तुमने जैसा कहा हमने बिल्कुल वैसे ही किया। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रात हमारी आखिरी रात होने वाली है। अब हम एक दूसरे से कभी बात नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिल पाएंगे। ये रात हमारी आखिरी रात होने वाली है। हम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं। और उसके बाद वो ऊपर से नीचे गिरती हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो चारों अपने अपने घर थीं। यह क्या, वो सब एक सपना था? चारों को जब होश आता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा। और वो एक लंबी गहरी सांस लेती हैं। तभी उन चारों को याद आता है कि स्कूल में आज उनका इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होती हैं और स्कूल आ जाती हैं। और उसके बाद वो अपना टेस्ट देती हैं। लंच टाइम में चारों एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताती हैं।
अरे यार, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, रात को मैंने कितना ज्यादा डरावना सपना देखा। मुझे से ज्यादा डरावना सपना नहीं देखा होगा। तुम्हें पता है, उस सपने में हम चारों थे और हम चारों ने एक स्कूल के चौराहे पर सूजी योरा रिचुअल किया जो बहुत ही अजीब था। चेहरे पर लाल कपड़ा बांधना, कंघी से आवाज निकालना और हमने एक आत्मा को भी बुलाया। और तुम्हें पता है, उस आत्मा को हम देख नहीं पाए लेकिन उसका एहसास हुआ था और उसके बाद हम हवा में उड़ने लगे। बहुत ही ज्यादा डरावना सपना था। और उसके बाद सब एक दूसरे से कहते हैं कि यही सपना तो उन्होंने भी देखा और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो सपना नहीं सच था, क्योंकि उन्हें कुछ समय बाद अपने हाथ पर एक निशान दिखाई देता है। जिसे हम सपना समझ रहे हैं वो सपना नहीं है, वो सच था। लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सपना था? ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हम चारों के हाथों पर एक जैसा निशान, ये सब क्या हो रहा है? दीदी दीदी, तुम चारों की आंखें इतनी ज्यादा लाल क्यों हो रही हैं? आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही हैं। हमारी आंखें लाल हो रही हैं? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं। अरे बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो वॉशरूम में जाकर आईना देखो, आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो रही हैं। छोटे बच्चों के सामने तो मत जाना वरना वो तुम चारों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। यह सुनकर चारों थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और वो तुरंत वॉशरूम में जाती हैं और उसके बाद अपने आप को शीशे में देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शीशे में वो चारों चुड़ैल नजर आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयंकर लग रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीशे में हम चुड़ैल नजर क्यों आ रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम चुड़ैल नहीं हो सकते, हम चुड़ैल नहीं हो सकते। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? हम चुड़ैल कैसे हो सकते हैं? हम तो इंसान हैं, हम चुड़ैल नहीं हैं। चारों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो शीशे में चुड़ैल क्यों नजर आ रही हैं। और उसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकल कर आती हैं तो वो कुछ बच्चों को पकड़ लेती हैं और एक क्लास में ले जाकर उन्हें बंद कर देती हैं। दीदी दीदी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने हमें यहाँ इस क्लास में बंद क्यों किया है? दीदी हमें छोड़ दीजिए, दीदी हमें छोड़ दीजिए। हमें आपकी आंखों से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। दीदी हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। वो चारों स्कूल में बहुत सारे बच्चों को पकड़कर एक क्लास में बंद कर देती हैं और अगर बच्चे रोते तो वो उन्हें पनिशमेंट भी देती हैं। लेकिन ऐसा करकर उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि चारों किसी के वश में थी और वो इसी तरह बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करकर उसी जगह पर ले जाती हैं जहाँ पर उन्होंने सूजी योरा रिचुअल किया था और उसके बाद उनके शरीर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकल कर आती है। तो ये सब तुम कर रही थी? हम भी तो कहें कि हम किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखो तुम हमसे क्या चाहती हो। पहले तुमने हमसे सूजी योरा रिचुअल कराया, उसके बाद तुमने हमसे इतने सारे बच्चों को किडनैप कराया। अब ये सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? तुम करना क्या चाहती हो? कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है, तुम चारों हमारे बहुत काम आई हो। यहाँ स्कूल में कोई नहीं आता। यह स्कूल हमारी मौत के बाद ही बंद कर दिया गया था, उसके बाद यहाँ कोई नहीं भटका। लेकिन तुम चारों ने इस स्कूल में कदम रखा जिस वजह से हमें आजादी मिली। हम चारों की आत्मा इस स्कूल में कैद थी और यह स्कूल चौराहे पर बना हुआ था। हमारी आत्मा को आजादी तभी मिल सकती थी जब तुम चारों बाहर चौराहे पर सूजी योरा रिचुअल करती। और तुमने जैसा हमने कहा बिल्कुल वैसा ही किया और हम आजाद हो गए। अब जब तुम आजाद हो गई हो तो क्या करना चाहती हो? तुमने इन सब बच्चों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? आज की रात बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। इतनी ज्यादा काली रात मैंने कभी नहीं देखी। देखो हम मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। अब तुम आजाद हो गई हो ना, तो आजाद रहो। हम मासूम बच्चों को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो?
आज अमावस की रात है और हम तुम सब बच्चों के बलि चढ़ाकर तुम्हारा खून पीकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और उसके बाद हम इस दुनिया में आतंक मचाएंगे। हमसे ज्यादा शक्तिशाली, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। तुमने सूजी यूरा रिचुअल करके बहुत अच्छा किया। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी और इन बच्चों की बलि नहीं चढ़ाने देंगे। हम तुम्हें अमर नहीं होने देंगे। हम तुम्हें दुनिया में कोहराम नहीं मचाने देंगे। हम तुम्हें रोक कर रहेंगे। तुम मामूली इंसान हमें नहीं रोक पाओगे। हमें इन चारों चुड़ैलों को दोबारा से इसी चौराहे पर कैद करना होगा। इन्हें आजाद नहीं होने देना। हम इन सब बच्चों की बलि नहीं चढ़ने देंगे और ना ही अपनी बलि चढ़ने देंगे। हमें कुछ भी कर इन चारों चुड़ैलों को दोबारा से कैद करना होगा। वो किताब एक बार हमें मिल जाए, मुझे लगता है उस किताब की वजह से ही हम इन्हें मात दे सकते हैं। और उसके बाद संजना चुपके से स्कूल के अंदर उस किताब को ढूंढने लगती है। कुछ ही समय में वो किताब मिल जाती है और उसके बाद वो चारों उस किताब को जला देती हैं। और जैसे ही किताब जलती है, वो चारों चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती हैं। और उसके बाद वो चारों दोस्त सभी बच्चों को सही सलामत बचाकर लेकर आ जाती हैं। और उसके बाद उनकी जान में जान आती है कि उन्होंने किसी भी बच्चे की बलि नहीं चढ़ने दी और खुद भी सही सलामत उन चुड़ैलों के चंगुल से बचकर आ गई।